वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आज हम आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑफ योर टेन प्लस टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ डैट इज़ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट थ्री सो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले करवाया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट वन तो आपके सिलेबस में इस बार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट टू जो है काटा गया है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं बाद में आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो फिलहाल आपके जो पेपर में आएगा डैट विल बी सस्टेनेबल पार्ट थ्री एंड वन तो ये हम करेंगे तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑलरेडी आपको मैंने करवा दिया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है तो इसमें फर्स्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है फर्स्टली हम यहाँ ये यह देखेंगे वी आल नो डैट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है हैव थ्री मेन गोल डेट इज़ द एन्वायरमेंटल हेल्थ इकनॉमिकल प्रोफिबिलिटी एंड सोशल एंड इकनॉमिक इक्विटी इन्वायरमेंट की हेल्थ देखनी है पैसे के बारे में देखना है समाज के और पैसे के जो समानता को देखना है पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम द फार्मर टू कंज्यूमर हैव शेयर द बिजन एंड कंट्रीब्यूट इट तो फार्मर्स से कंज्यूमर तक देखें तो वो अपना ये विज़न देखते हैं तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ कुछ प्रैक्टिसज़ हैं विच शुड बी अडोप्टड बाई फार्मर टू अटेन द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कौन सी ऐसी प्रैक्टिस जो किसानों को करनी चाहिए जिससे हो सकती फर्स्ट है फ़र्स्ट है मिक्सड फार्मिंग मिक्स फार्मिंग में क्या होता है डिफरेंट क्रॉप और एनिमल इन फार्म एनिमल या क्रॉप्स को इकट्ठा रखना अलग अलग को इन बॉल द फीडिंग डिफरेंट एनिमल विद देयर एक्सक्रीटा यूज इन न्यूट्रिएंट एंड क्रॉप जैसे हम पोल्ट्री फार्मिंग करें साथ में खेती बाड़ी करें तो उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका जो एक्सक्रीटा होता है पोल्ट्री का वो हम उसमें डाल सकते हैं काऊ डंग हम कैटल्स में जो है डेयरी फार्म का सारा डाल सकते हैं खेतों में तो वो एग्रीकल्चर का काम करता है इन अदर वर्ड मिक्सड फार्मिंग जो एनिमल्स एंड आर अलाउड टू ग्रेज ग्रास एंड कीप इट शॉर्ट अंडर द फ्रूट ट्री और स्क्रीटा ऑफ पिग यूज टू फीड फिश जैसे पिगरी करें हम फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं पिस्ट्रिकल्चर कर रहे हैं उसके साथ पिगरी कर सकते हैं यानी पिग का जो स्क्रीटा होता है वो फिशेस खा लेती है तो वो ऐसे चला जाता है सो मिक्सड फार्मिंग इज़ वेरी कॉमन इन आल पार्ट ऑफ वर्ल्ड काफ़ी जगह यूज़ हो रही है एडवांटेज इसका क्या है इट हेल्प प्रोड्यूसिंग द एसेंशियल ऑफ लिवलीहुड फॉर फार्मर बाई प्रोड्यूसिंग फूड एंड अदर कॉम्यूडिटी उनका गुजारा अच्छा हो जाता है तो मिक्स फार्मिंग टाइप डिपेंड ऑन द बायोफिजिकल कंडीशन सच द रेनफॉल रेडिएशन सॉइल टाइप डिडीज कॉमन इन द प्लेस एल वायज द मार्केट प्राइस पोलिटिकल सस्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट एरिया ये सारी चीजें जो है सस्टेनेबल जो मिक्स फार्मिंग को अफेक्ट करती हैं उसके बाद आता है मिक्स क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में क्या करना है हम फसल एक नहीं लगानी फील्ड में उसके साथ कुछ जोड़ के लगा देना है जैसे मूंगफली या ग्राउंड नट सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल उसको साथ में लगा दे शॉर्गम पीगन पी बारले चिकन पी चिकपी जे मटर हैं बीट एंड मस्टर्ड बीट एंड चिकन पी सोयाबीन एंड पीजन पी इनको साथ इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि ये जो पीज़ मटर वगैरह दानों वाली फसलें हैं इनकी जड़ों में जो होता है गांठें होती हैं नड्यूल होते हैं और नडियूल में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है तो इससे नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ जाती है उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग क्या है इसमें हम क्या करेंगे ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड सेम फील्ड में इकट्ठी लगा देनी है जैसे उसमें चैनल बना देंगे क्यारियाँ लगा देंगे जैसे वन रेशो वन आधी फसल आधे खेत में बोलगा दी आधे बोलगा दी वन रेशो टू दो हिस्सा बोलगा दिया एक हिस्सा वन बाई थ्री थर्ड पार्ट ज़्यादा बोलगा दी वन थर्ड ऐसे कर दिया सो वन वन में यहाँ वन रो होगी एक रो में इंटर क्रॉप कर देंगे यानी एक में पीनट लगा दिया एक में बटर ल, ओ, चिकपी लगा दिया है ना तो ऐसे वन रिशो टू में वन रो ऑफ द मेन क्रॉप फॉलोवर्ड बाई टू रोफ ऑफ इंटर क्रॉप यानी इसमें क्या करेंगे एक मेन फसल जो होती है वो लगाएंगे साथ में इंटर क्रॉप है जो थोड़ी फसल साथ में ग्रो कर सकते हैं जैसे ऐसे मैंने यहाँ कहा ग्राउंड नट जो मूंगफली है सनफ्लावर जो मेन फसल है उसके साथ मूंगफली लगा दें मूंगफली यहाँ क्या होगा इंटर क्रॉपिंग एडवांटेज क्या है ये सॉइल की फ़र्टिलिटी मेंटेन करती है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एकनॉमी एक, दा द स्पेस एंड टाइम फॉर कल्टिवेटिंग और डिफरेंस क्या है इसमें इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स में इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है एक डेफिनेट रो में करते हैं मिक्स में नो रो इसमें कोई रो नहीं होती शीड ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप आर नॉट मिक्स यहाँ मिक्स हो जाते हैं यहाँ इकट्ठा शीड हम खिला देते हैं मिक्स में मिला के यहाँ पर्टिकुलर रैक है इ एम इनक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया इंटर में बढ़ती है इसमें मिनिमाइज़ करता है रिस्क ऑफ द क्रॉप फेलियर मिक्स क्रॉप में क्रॉप फेलियर नहीं होती है सो बिन द सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द फील्ड ईयर आफ्टर ईयर अगर हम देखें एक साल में हम आ, हर साल एक ही फसल लगा रहे हैं तो इसमें क्या होता है सॉइल के कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें सॉइल जो डिप्राइव्ड हो जाती है न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं जैसे हम पंजाब में कनक लगाते हैं धान लगाते हैं सो इट्स फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्टिविटी भी बीट्स पेस्ट एंड डिजीज जो है इसके बढ़ जाते हैं तो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम विन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द फील्ड तो इसको हम कैसे इससे छुटकारा पाएंगे जो हम डिफरेंट क्रॉप इकट्ठी लगाएंगे प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप इन सेम फील्ड उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन अल्टरनेटिवली तो उसमें क्या करेंगे हम एक हर साल जो राइस बीट नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे उसको अल्टरनेट कर देंगे तो इनक्रीज ऑफ फर्टिलिटी जैसे हम राइस बीट क्रॉपिंग में हम क्या करें मेज़ पोटैटो सनफ्लावर लगा सकते हैं यानी एक दो साल हमने अच्छी फसल ले ली कनक की दान की उसके बाद हमने वहाँ उसको लगाना बंद कर दिया फिर हम वहाँ लगा सकते हैं आलू लगा सकते हैं मक्की लगा सकते हैं सोया सनफ्लावर लगा सकते हैं तो इससे सॉयल के जो न्यूट्रिएंट हैं वो कवर हो जाते हैं एडवांटेज क्या है बेन डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन दिफ इन द फील्ड वन अनदर द जील्ड ऑफ द प्रोड्यूस जो बढ़ जाती है उसकी आल क्रॉप डू नॉट रिक्वायर न्यूट्रिएंट इन सेम प्रोपोर्शन सो बाय क्रॉप रोटेशन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यूटिलाइज मोर इवनली एंड सॉयल डज नॉट गेट डप्लीटेड इन पर्टिकुलर न्यूट्रींट तो जब हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे या क्रॉप रोटेशन करेंगे उसमें क्या होता है हरेक जो फसल होती है हरेक तरह की जो हम ग्रो करते हैं उसको सभी को एक जैसे न्यूट्रियट नहीं चाहिए किसी को कम किसी को ज़्यादा तो इससे क्या होगा सॉइल में न्यूट्रियट जो है डिप्लीट नहीं होंगे वो कंज़र्व रहेंगे आगे आ जाते हैं द इंसीडेंट ऑफ़ बीड पेस्ट डिजीज इसमें जो नदीन है कीड़े मकोड़े हैं फसल को जो काटते हैं नुकसान करते हैं वो भी कम हो जाते हैं वेन द डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन द एक्टिविटीज़ कंसर्नड विद द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग सॉयल बनाना मिट्टी तैयार करना बीज बेचना काटना अदर एक्टिविटी जो हैं तो इससे जो है वर्क कम हो जाता है यानी हर साल वो ठीक रहता है यानी बार बार लेबर का करना नहीं पड़ता After that, biological and economical consideration. So, order to adopt the path of sustainable agriculture, we have need to mend the method of farming. So, we have to follow the practice like mix farming, mixed cropping, and crop rotation. These practices will not only help regaining the nutrition value of our soil, but also save our environment. For example, when we grow two crops simultaneously in one field, fertility of soil will not reduce, and the crop. सो द डिफरट करॉप्स जो हैं नीड डिफरेंट न्यूट्रीएंट मोर एवर वेन बी ग्रो वन लग यू क्रॉप विद सम अदर क्रॉप तो इसमें क्या होगा नाइट्रोजन फिक्स होगी एटमोसफेयरिक जो न्यूट्रिएट है वो फिक्स कर देंगी सिमिलरली जो क्रॉप रोटेशन है वेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रो ग्रोन अल्टरनेटिवली पेस्ट ग्रोथ रिड्यूस बिकॉज ऑफ ब्रेक डॉन ऑफ देर साइकिल सो दिस साल सो इंक्रीज द नीड ऑफ द पेस्टिसाइड एंड रिजल्ट मोर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट तो ये सारा जो मैंने कहा है यहाँ इसका क्या मतलब निकलता है इसका यही मतलब है कि जो हम इसमें सस्टेनिबिलिटी चाहते हैं बायोलॉजिकल एंड एकनॉमिकल इसके क्या फ़ायदे हैं तो जब हम मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा मोनोकल्चर तो ख़त्म होगा उसके साथ फसल की जो क्वालिटी बढ़ेगी उसके बाद फसल को मेहनत कम लगेगी उसके बाद मिट्टी की जो क्वालिटी बढ़ेगी उसके बाद जो उसको जो कीड़े फसल को लगते हैं उसका साइकिल टूट जाएगा क्योंकि हर साल उसको सेम फसल नहीं मिलेगी इससे वो भी कंट्रोल हो जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पंजाब में यहाँ मेन प्रॉब्लम आ रही है टू कम आउट विद द पैडी बीट क्रॉमिक कनक और धान की फसल से बाहर नहीं निकल रहे ये प्रॉब्लम आ रही देर इज़ अर्जेंट नीड इसमें हमें बायोडिवर्सिटी की लोड़ है डेयरी फार्म पोल्ट्री पिगरी लगाने की ज़रूरत है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ सकते हैं जिसमें हम केमिकल यूज़ ना करें तो पंजाब में यह नीड ज़्यादा है क्योंकि पंजाब के हर एक चीज़ में पेस्ट आ रहे हैं सब्जियों में भी आ रहे हैं और पशुओं के चारे में भी आ रहे हैं फ्रूट्स में भी आ रहे हैं फसल में भी आ रहे हैं यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है हेर इन्हांस इन नरमसली बाई यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइज़र द इंसीडेंट ऑफ मैनी डिडीज रिड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ कैमिकल पेस्टिसाइड अवर एग्रीकल्चर इज देयर फॉर हैवली डिपेंड अपॉन द यूज़ ऑफ कैमिकल एंड पेस्टिसाइड हो एवर द एग्रीकल्चर कैमिकल आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू मैन काइंड तो इनडिसक्रिमिनेट यूज़ ऑफ दिस केमिकल कॉज डिट्रियोरिंग इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज एग्रोकेमिकल इन एडिशन टू दिस केमिकल फर्टिलाइजर वेरी हार्मुल तो हम क्या कह रहे हैं फसलें लगाते हैं खेती बाड़ी में हमें खादें आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र स्प्रे डालने पड़ती है पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं फसल को बचाने के लिए पर वो केमिकल हैं वो इतने ख़तरनाक हैं वो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रहे हैं जो ज़मीन में कीड़े होते हैं जो फसल को अच्छा पैदावार करते हैं मिट्टी को बनाते हैं वो भी ख़त्म होते हैं इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है ह्यूमन और अदर एनिमल को भी कई बीमारियाँ लगती हैं तो यहाँ कुछ लिखा है जैसे ड्यू टू लैक अवेयरनेस फार्मर आर नाट एबल टू यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन राइट अमाउंट किसानों को पता ही नहीं है कितनी खाद डालनी है केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो दिए जाते हैं पानी के साथ बह जाते हैं वाटर पोल्यूशन करते हैं पानी में जो जीव है फिश वगैरह उसको ख़त्म कर देते हैं मैनी ऑफ़ द केमिकल फर्टिलाइजर इज़ हाईली एनर्जी रिकारिंग प्रोसेस इसमें मैनुफैक्चर इनको बनाना यूरिया बनाना एन पी के खादे बनाना इसको काफ़ी एनर्जी लगती है काफ़ी पैसा लगता है मोस्ट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड नोट स्पेसिफ़िक जो हम खादें डालते हैं पेस्टिसाइड ये एक खास फसल के लिए नहीं होते बाकी फसल भी ख़राब कर देते हैं प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल का होता है इससे यानी खादे बनाने में काफ़ी पोल्यूशन होता है काफ़ी फैक्ट्रीज़ का धूँा निकलता है इससे एयर पोल्यूशन भी होता है वाटर भी होता है सॉइल भी सो so ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कि फ़र्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड से हैं फर्टिलाइज़र ऑफ बायोलॉजिकल रीज़न बायोलॉजिकल रीज़न में जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है जो सारे नेचुरल हैं दो तरह के होते हैं मनीूर एंड बायो फर्टिलाइज़र मनीोर होती है रूढ़ी खाद जो कि काऊ डंग वगैरह जो हो रक्सक्रीटा को निकाल के बनाते हैं इसमें आती है फार्मयार्ड मनीोर कंपोस्ट एंड ग्रीन मनीूर फार्म यार जो हम रूढ़ी हैं, कंपोस्ट ज़मीन में खट गड्ढा खोद के उसमें सब्जियां होगी डंग इसको मिला देंगे फिर वो हीट से एक्शन से बनेगी ग्रीन मन्यूर है जो बेसिकली हम प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे चने लगा दिए मटर लगा दिए उसमें जो उसका जो बच भी जाता है वो उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं उसको भी फसल ज़मीन के साथ ही हम उसको प्लोइंग कर देते हैं मिट्टी में मिला देते हैं उससे काफ़ी फसल की पैदावार बढ़ती है फर्टिलाइज़र में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं जैसे इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फंगस ये क्या करते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट का साइकिल मेंटेन करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अदर केमिकल फ़िक्स करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पैदावार बढ़ाते हैं तो एडवांटेज क्या है बायो फर्टिलाइज़र पंद्रह से पैंतीस परसेंट तक जील्ड बढ़ा देते हैं फसल की वेजिटेबल की सम बायो फर्टिलाइज़र जो है फो जील्ड इन्हांस कर देते हैं उस जगह पे भी ज़्यादा जील्ड होता है जहाँ पे पानी की कमी हो इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। दे डोंट कोज एटमोसफेयरिक पोल्यूशन बायो फर्टिलाइज़र आर चीप एंड एकनॉमिकल सम बायो फर्टिलइज़र एक्सेप्ट बायो पेस्टिसाइड तो कई बायो फर्टिलाइज़र जो एंटीबायोटिक ही देते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली प्लांट बच जाता है उसको कीड़ा नहीं लगता बायो फर्टिलाइजर इंप्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ़ द बायो पेस्टिसाइड कुछ ऐसे है बायोलॉजिकल रिजन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि की कीड़े को मार देते हैं तो ये गुड पेस्टिसाइड जो है इज़िली अवेलेबल शुड नॉट कंट्रोल ओनली स्पेसिफिक शुड नॉट बी टॉक्सिक शुड बी बायोडिग्रेडेबल तो ये अच्छा होना चाहिए पर काफ़ी हम पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ करते थे जैसे डी डी टी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था मच्छर मारने के लिए नदीन ख़त्म करने के लिए पर अब डी डी टी ने काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ कॉस कर दी हैं डी डी टी एक बायो एक कमुलेशन हो गया इसकी बायो मैग्निफिकेशन कर रहा है तो इससे जो डी डी टी है पानी मिट्टी से पानी में जाती है पानी में जो जानवर हैं उनको ख़राब करती है फिशेस के अंदर चली जाती है उसकी फ़ैटी टिश्यू में फ़िश को जो भी खाता है पंछी खाते हैं ह्यूमन खाता है उसके अंदर चली जाती है तो इसलिए काफ़ी पोल्यूशन कर रही है कैंसर किडनी और कई तरह की एलर्जी प्रॉब्लम हो रही है तो केमिकल जो पेस्टिसाइड हैं इनके नुकसान हैं तो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड कंट्रोल में हम बायो हर्बिसाइड देखते हैं हर्बिसाइड केमिकल है जो नदीन को ख़त्म करते हैं तो पाँच सौ पचास तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बीड जो है हम क्या करेंगे कुछ इसमें हम इंसेक्ट का यूज़ करेंगे फंजाई बैक्टीरिया निमेटोड जो कि बीड्स को ख़त्म कर देते हैं केमिकल फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल एजेंट इफ़ेक्टिव है हर्ब के लिए और इंसेक्ट के लिए सम समज़ाम्पल जैसे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द कैटकाई इन इंडिया कैटकस का जो थोर का है दरख्त है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इसने जो कॉनियल इंसेक्ट को ख़त्म कर दिया है बाटर सक्सेसिवली कंट्रोल हुआ है यू एस फ्लोरिडा में इसमें फंगस का यूज करके हमने ख़त्म किया है स्पेसिफिक इंसेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बिच फीड टू द बीड और एवर स्पेसिफिकली ऑफ इंसेक्ट शुड बी केयरफुली टेस्टड सो डैट नोट स्विच ओवर द यूजफुल क्रॉप यानी जो स्पेसिफिक इंसेक्ट हैं वो भी बीट को खा लेते हैं पर उसको हमने यूज़ करना भी कि फसल को ना खा ले सर्टेन क्रॉप डू नॉट अलो बी टू ग्रो कई फ़सल ऐसी हैं अगर हम लगाएंगे तो उसमें कोई नदीन नहीं ग्रो करता जैसे अल्फा अल्फ़ाफासया सोयाबीन सनफ्लावर तो इसके लिए कोई हमें पेस्ट हर्बिसाइड की ज़रूरत नहीं होती बायो इंसेक्टिसाइड इसमें हम फसल के कीड़े ख़त्म कर रहे हैं बट हमने बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करना होता है केमिकल यूज़ नहीं करने जैसे पैथोजन पैरासाइड प्रिडेटर जैसे बकेलो वायरस है जो इन्फेक्ट करता है लार्वा स्टेज ऑफ काफ़ी हार्मफुल इंसेक्ट के जैसे एंट बासम एंड बीटल दीज बायोलॉजिकल वेपन आर नॉट ओनली इफेक्टिव एज पोटेंशियल बायो कंट्रोल बट आज आल्सो हार्मलेस ये हार्मलेस भी है क्योंकि ये बाकी जीवों को ख़त्म नहीं करते सिर्फ इन कीड़ों को ही ख़त्म करेंगे बाकी अच्छे जो कीड़े हैं उसको नहीं मारेंगे बैक्टीरियल पी जैसे बेसिलस रनजिस बीटी बीटी कॉटन सुना होगा आपने ये आ गया है कॉटन में ब्रिंजल में टमेटो में इसका जीन होता है जो कराई प्रोटीन बनाता है जिससे हम मौत कीट पतंगे फ्लाइज बीटल मॉस्किटो ख़त्म कर सकते हैं उसके बाद है स्टेरिलइजेशन स्ट्रेटजी इसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ मेल इंसेक्ट उसको हम उसका जो सेक्स ऑर्गन खत्म कर देंगे वो स्पर्म नहीं बनाएगा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो इसलिए स्टेरिलइेशन हो जाती है फैरामोन कुछ ऐसे केमिकल होते हैं आर्टिफिशियली जो कि सेक्स हार्मोन का काम करते हैं इससे जो मेल और फीमेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसको इंट्रैक्ट करके हम मार देते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड नेचुरल भी हैं जैसे रोटी नोन हैं जो केमिकल है इंडिया में ये चाइना से ही आया था इससे मच्छर वग़ैरह और भी कई मारे जा सकते हैं अल्कोलाइट टम्बाकू के ये अच्छे हैं तम्बाकू में कैसे है? केमिकल मिलते हैं जैसे कीड़े मर जाते हैं नीम पता ही आपको उसको कीड़े कपड़ों को रिजर्व कर में रखा जाता है कीड़े ख़त्म हो जाते हैं केमिकल एक्सट्रैक्टेड हों द लीब ऑफ द वाइल्ड बुश ऑफ साउथ सेंट्रल अमेरिका ये जेलो फीवर स्प्रेडिंग मॉस्किटो को ख़त्म कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैं जो बायोलॉजिकल रीज़न है काफ़ी अच्छी एग्जांपल हैं आई होप आपको समझ आ गई होगी जो आप अपने बड़ों को समझा सकते हैं इसका यूज़ करना आई में है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसमें हमने क्या करना है केमिकल का भी यूज़ करना है बायोलॉजिकल भी यूज़ करना बट हमने उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना केमिकल का भी वो नुकसान हो बायोलॉजिकल का भी यूज़ करना है इंटीग्रेटेड मैनर में करना है ताकि इन्वायमेंट को नुकसान ना हो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का, का काफ़ी फ़ायदा है इससे काफ़ी अच्छी वराइटीज़ आ गई हैं लैंड वाटर वाटरबिलिटी में कंसटेन एसोशेड विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग इंक्रीज सॉयल वाटर एंड एयर क्वालिटी डिटेरिएशन ड्यू टू इंटेंस यूज़ ऑफ फार्म केमिकल ये कुछ ऐसे हम हमें इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं जिसको बायोटेक्नोलॉजी ने ख़त्म किया तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है? कुछ आर्टिफिशियल डीएनए ऐड किया है बार ऑर्गेनिज्म का जैसे बीटी कॉटन है ये बेसिलेसिन जैसी बक्टीरिया है इसका जीन हमने फसल में डाला है कॉटन में तो इससे फसल को जो खाने वाला कीड़ा है वो मर जाता है इसमें जो फसलें तैयार करते हैं उसको हम जीएमओ कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म जी एम सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो ये काफ़ी एक मॉडर्नाइजेशन है इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स uh, और एग्रीकल्चर uh, तो इससे काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ तैयार हो रही है सो so, वर्क हो रहा है इसमें एडिबल वैक्सीन भी बन रहे हैं जो टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है कुछ जीन हम ऐसे डाल रहे हैं जो कि पर्टिकुलर वैक्सीन में होता है वो फ्रूट में वेजिटेबल में आ जाएगा जैसे टोमेटो कैबेज बनाना उसको खाने से ही हो जाता है जैसे कॉलरा रेबीज़ के लिए सो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हेल्प करती है क्रूप जील्ड को इम्प्रूव करने के लिए इसको जीआईपी कहते हैं जेनेटिकली इंप्रूवड प्लांट इसकी जो जीड़ बढ़ेगी लेस केमिकल कम केमिकल में यूज़ हो पाएंगे इनको ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं है क्वालिटी इनकी इम्प्रूवड है तो इसमें जैसे हमने गोल्डन राइस तैयार की है इसमें बीटा कैरोटीन एंड फैरटीन विटामिन ए की कमी जिसको वो खा सकता है और राइपनिंग फ्रूट जल्दी पकता नहीं है इथिलीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है इसमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है तो बायोटेक्नोलॉजी से जो हम फसलें तैयार करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं पर नहीं होती मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसको मैनेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमने बना लिया जैसे स्टोरेज स्टोर करना एक ज़रूरी है अच्छा स्टोरेज हो जो ग्रेन हमने स्टोर करने हैं तो ये सिंपल नहीं है तो इसमें स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स uh, आती हैं डैमेज हो जाता है फसल का फूड भी ख़राब हो जाता है ए फैक्टर्स हैं कुछ जो फ़सल को ख़राब कर देते हैं जैसे मेच्योर ग्रेन जिसमें 16 से 18 परसेंट बेट वाटर हो तो वो ठीक है सेफ स्टोरेज में 14 परसेंट पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें कम होना चाहिए हाई मॉइस्चर कंटेंट जो है पर टेम्परेचर से माइक्रोव ग्रो कर जाते हैं इससे फ़सल को उल्ली लग जाती है बायोटिक फैक्टर में कुछ माइक्रो भी आ जाते हैं कुछ रोड एंड बर्ड एंड एनिमल चूहे हो गए पंछी हो गए एनिमल्स जो फसलों को खा लेते हैं दानों को खा लेते हैं तो उनके लिए भी हम पॉइजन का यूज़ करते हैं उसको मारने के लिए इन्फेस्टेशन ड्यू टू इंसेक्ट एंड माइक्रोव फूड मटीरियल फ्रिक्वेंटली स्पॉय्ड एंड डिग्रेडेड बाई इंसेक्ट बॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गनिज्म एंड अटैक बाई दीज माइक्रोव इज़ कॉल्ड इन्फेस्टेशन कुछ ऐसे जीव होते हैं वो पूरी तरह से नुकसान करते हैं जैसे चूहे जो हैं कनक को खा रहे हैं या कीड़ा लग गया फसल को तो पूरी फसल ही ख़राब हो जाती है उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं माइक्रोवोलाइज मोल्ड जी स्टैंड बैक्टीरिया ये काफ़ी तरह इन्फेस्टेशन करते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है उसको क्लीन करना आसान हो वाटर एंड मॉइस्चर ना जाए अंदर माइक्रोव टेम्परेचर का फैक्ट ना हो रोड एंड वर्ड का अफैक्ट ना हो पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज हमने कैसे स्टोर करना है जो बेब हैं स्पाइडर के उसको हटाना है कान जो कीड़े लार्वे होते हैं उनके बीबल वगैरह निकालने ग्रेन जो ख़राब हैं वो निकाल देने हैं पूरी तरह से उसको ड्राई करके रखना है और सो वाट मेजर यू कैन टेक टू चेक रोड एंड घरों में चूहों को कैसे बच सकते हो जो मैंने आपको बताया है फूड प्रज़र्वेशन में तो इसमें हमने क्या करना है एगूमेंट ऑफ फूड सप्लाई रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज मेकिंग अप डाइटरी इन एडिक्वेसी इनक्रीजिंग द स्टोरेज पीरियड इंश्योर देर अवेलेबिलिटी डिस्टेंस प्लेसिस एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम क्रिएशन ऑफ कंडीशन अनसूटेबल फॉर दोज ग्रोथ एंड एक्शन तो ये कुछ ऐसे फ्रूड प्रजर्वेशन में आ जाता है प्रजर्व करके रखना होता है तो अच्छे से प्रजर्वेशन हो तो उसके फ़ायदे हो जाते हैं फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे भूखमरी की समस्या होगी माइक्रोव का एक्शन कम होगा तो डिहाइड्रेशन जैसे एक मैथड है डिहाइड्रेशन में हम पानी निकाल देते हैं जैसे नमक लगा के जैसे चार वगैरह बनाते हैं स्पिनच होगी मेथी लीप, कॉलीफ्लावर इसको दुख में खा सकते हैं साल्टिंग एंड शुगर इसमें चार बना सकते हैं मरबे बना सकते हैं डीप फ्रीजिंग ज़्यादा ठंड में इसको स्टोर करके मीट फिश वगैरह को रख सकते हैं केमिकल लगा के जैसे बेंजोइक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम मेटाबिसल्फाइड इस फैक्टिव प्रिजर्वेटिव है इसको प्रिजर्वेशन ऑफ कलरलेस फ्रूट लाइक एप्पल लीची इसके लिए यूज़ किया जाता है कलर्स उसके बाद बिसाइड दीज आर लार्ज वराइटी ऑफ टेक्निक आर यूज़ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटीरियल जैसे कमर्शियल स्केल पे कैनिंग बॉटलिंग वैक्यूम ड्रेंग इसमें इसका यूज़ किया जाता है यानी काफ़ी अच्छे तरीके हैं बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल हैं जो प्रिजर्वेशन में हेल्प होते हैं ट्रांसपोर्टेशन उसको अच्छी जगह से कैसे पहुँचाना है ट्रकों में लोड करना है अच्छी पैकिंग हो वो टूटे ना फूड प्रोसेसिंग फूड जो हमें खेतों से आता है उसको प्रोसेस करना उससे अनवांटेड चीज़ें निकालना उसको अच्छे तरीके से इसकी क्वालिटी इनरिच करना सो तो रॉ मटेरियल को यूज़ेबल बनाना उसको और प्रोसेसिंग कहते हैं जैसे टी लीव्स हैं पत्ती लगालते हैं उसको बिदरिंग ड्राइंग एंड शोटिंग में कॉफ़ी बीन को ड्राई किया जाता है फर्मेंटेड किया जाता है कॉफ़ी पाउडर में मिल्क प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है पर्चुरइजेशन में शुगर केन आर गेट जर्गी गुड़ बनाते हैं फिर वाइट क्रिस्टल शुगर बनती है ये सारा प्रोसेसिंग का है वायरल इज इस प्रोसेस टू इसके वाइन बियर बनती है सो प्रोसेसिंग ऑफ फूड मटीरियल ऑफन रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रीन काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिय लॉस होता है जैसे सीरियल्स में अनाज में काफ़ी लूज हो जाता है फूड वैल्यू का इन द मैटिंग ऑफ द बीट जैसे बाइल फ्लोर आटा मैदा निकालना है ट्वेंटी एट टू थर्टी सेवन पर ग्रेन जो वेट है डिक्रीज हो जाता है थर्टी सिक्स परसेंट आयरन सेवेंटी फाइव परसेंट विटामिन बी कम हो जाता है थायामिन थायामी एसिड जो प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है विटामिन ए भी लॉस आ जाता है बीट में राइस एंड अदर सीरियल ग्रेन आर आल्सो लूज मच दे न्यूट्री एंट प्रोसैसिंग जब पॉलिश करते हैं सो ज़्यादा प्रोसेसिंग भी अच्छी नहीं है जो देसी चीज़ें खा सकते हैं बेटर है सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट थ्री तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा और ये आपका होमवर्क है शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप में से आपने सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप ही कर लेने हैं क्योंकि आपको पैटर्न चेंज है मैंने बता दिया एम सी क्यू ट्रूफ आल्स आएँगे आपने पेपर दिया होगा तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो काइंडली कमेंट मी और काफ़ी अच्छा आसान चैप्टर है यूजफुल चैप्टर है ये आपके काम आएगा और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट कर देना और अपनी क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो इसका फ़ायदा ले सकें और एग्ज़ाम में अपनी प्रेपरेशन कर सकें थैंक यू वेरी मच मिलेंगे किसी और दिन एक न्यू लेक्चर के साथ